पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। महाराज, स्वयंवर के दिन मल्लयुद्ध की सारी तैयारी हो चुकी है। राजवैद्य जी, मल्लयुद्ध में यदि कोई घायल हुआ तो उनके उपचार हेतु आवश्यक सामग्रियां और औषधियां तो तैयार है ना? जी महाराज, जो जो संभव है हमने तैयार रखा है, परंतु हम सभी ये जानते हैं कि मल्लयुद्ध में आज तक सम्राट सिंह का जो भी प्रतिद्वंदी रहा है वो आज तक अखाड़े से जीवित वापस बाहर नहीं आए, तो शायद हमें उपचार का अवसर ही प्राप्त ना हो। शुभ शुभ बोलिए राजवैद्य जी। महाराज, हम भी शुभ ही चाहते हैं, परंतु मन भयभीत है। यदि राजकुमारी जी का विवाह सम्राट सिंह के साथ हो गया तो उससे ज्यादा अशुभ कुछ भी नहीं हो सकता। एकांत, आप क्यों चिंतित लग रही हैं? आपको, हमें, पूरे वल्लभगढ़ को बस एक ही चिंता है कि राजकुमारी तारा प्रिया का विवाह सम्राट सिंह से होने से कैसे रुके। चिंता तो हमें भी वही सता रही है, किंतु आपके हाव भाव और आंखों को देखकर लगता है कि कोई और बात भी है जो आपको परेशान किए हुए। जी महावीर जी, आपने हमें कहा था कि हमें पता लगाना है कि सम्राट सिंह की सहायता कौन कर रहा है, कौन उनके दुष्कर्मों में उनकी सहायता कर रहा है। हाँ, कुछ ज्ञात हुआ? जी महावीर जी, हमें ज्ञात हुआ है, परंतु हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपसे ये बात साझा करें या नहीं। रणछोड़ जी पर हमने जो आरोप लगाए थे उसमें हम गलत सिद्ध हुए थे, हमारी हिम्मत टूट सी गई है। हमने जो कहा, यदि वो सच ना हुआ तो पता नहीं आप क्या सोचेंगे हमारे बारे में। ऐसा कहकर आपने अपना पक्ष सुरक्षित कर लिया है, जो भी ज्ञात हुआ है निसंकोच होकर कहिए। आज ही मल्लयुद्ध है तिलोत्तमा, हमारे पास अधिक समय नहीं है, जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। दासियों को ये पायल सम्राट सिंह के कक्ष से मिली है। क्या हुआ, क्या हुआ ध्रुव, तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? तारा, सम्राट सिंह को अभ्यास करते हुए देखा मैंने, बहुत खतरनाक लग रहा है। पता नहीं उसे हरा पाऊंगा या नहीं। ध्रुव, तुम मल्लयुद्ध में से अपने दावेदारी पीछे ले सकते हो। नहीं तारा, अगर मैंने ये किया तो सम्राट सिंह जीत जाएगा, ये नहीं होने दे सकता। मैं मैदान में उतर जाऊंगा, जो होगा सो होगा। परंतु तुम्हें कुछ हो गया तो सम्राट सिंह ने सच में तुम्हारे तुम्हारे प्राण। इधर देखो, वही होगा जो सही होगा। पर कान्हा जी मुझे इतनी दूर समय सदी के पार तुम्हारे पास लेकर आए हैं, तो कुछ तो सोचा होगा ना उन्होंने। अगर मैं हारा तो हमारा प्यार हारेगा, सच हारेगा, जो कान्हा जी बिल्कुल नहीं होने देंगे। हाँ, और तारा, तारा, मैं तुम्हें तारा मुझे
धुंधला दिखाई दे रहा है। अपने साथ विश्वासघात करने वाले को कभी दूसरा अवसर नहीं देता सम्राट सिंह। नायक, तुम्हारे ही लालच को हमने तुम्हारे विरुद्ध प्रयोग किया। पोटली को तुमने अपनी सर आंखों पर लगाया है, उस पोटली के ऊपर इतना रसायन व्याप्त है, कुछ ही क्षणों में तुम अंधे हो जाओगे। तरम, ध्रुव, तरम मुझे धुंधला के दिखाई दे रहा है। तारा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ध्रुव, क्या हो रहा है? तारा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तारा दिखाई नहीं दे रहा मतलब ये कैसे संभव है? ध्रुव, तारा कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। ध्रुव, तारा। शुभकामनाएं सम्राट सिंह। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मलयुद्ध में होने वाली अपनी विजय पर, जिसमें विजय के साथ साथ तुम्हारा बदला भी पूरा हो। उस आनंद की अनुभूति ही अलग होती है। अब राजकुमारी का स्वामी बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और ये वल्लभगढ़ और इसका सिंहासन आतुर है हमसे मिलने के लिए। बड़े चलो, बड़े चलो। ये तो अनुसूया की पायल है। किंतु ये कैसे संभव है? ये नहीं हो सकता। जी महावीर जी, अनुसूया जी सम्राट सिंह की सहायता क्यों करेगी? वो तो आपसे इतना प्रेम करती है, वो आपसे इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती। वो तो इतनी अच्छी है कि जब महारानी जी ने उन्हें इस कक्ष में आने से मना किया तो वो इस कक्ष में तो क्या पूरे राजमहल में कहीं नहीं दिखाई दी। उनकी परम सखी राजकुमारी तारा प्रिया उनका स्वयंवर हो रहा है, इतने संकट में है वो, परंतु एक बार भी वो उनकी सहायता करने नहीं आई। हमें नहीं लगता सम्राट सिंह की सहायता करने भला वो क्यों आएंगी। अवश्य अब आपको इस पायल को पहचानने में भूल हो गई होगी। लगता है आजकल हमसे कुछ भी सही नहीं हो रहा, भूल पर भूल कर रहे हैं हम। ये ग्लानी बोध का समय नहीं है महावीर जी, हमें पता लगाना होगा कि ये पायल किस स्त्री की है। ये कोई ऐसी स्त्री की है जो इस महल का चप्पा चप्पा जानती हो, ये भी जानती है कि आप अपनी राजकीय मोहर कहाँ रखते हैं, ये भी जानती है कि ताले की कुंजी कहाँ रखते हैं आप। दीजिए हमें ये पायल, हम इसे फेंक देते, किसी को नहीं बताएंगे इसके बारे में। नहीं, ये पायल जिनकी भी है वो सम्राट सिंह की सहयोगी है। सम्राट सिंह के कारण हमारी तारू और वल्लभगढ़ का भविष्य अधर्म है। हम इस पायल को अनदेखा नहीं कर सकते। हमें पूरी जांच पड़ताल करके सच तक पहुंचना ही होगा। जैसा आप ठीक समझे महावीर जी। आपके मन में अनुसूया के विरुद्ध संदेह का विष घोल दिया। बस अब दोपहर में मलयुद्ध प्रारंभ होने वाला है। अब से हर पल सम्राट जी और हमारी जीत का क्षण समीप आता जाएगा। तारा, 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 हम यहीं हैं। तारा, 6 घंटे में मलयुद्ध शुरू होने वाला है और अगर मेरी आंखें ठीक नहीं हुई मैं लड़ूंगा कैसे? शांत हो जाओ। ये अवश्य ही उस धूर्त सम्राट सिंह का कोई छल है, क्योंकि उनसे मिलकर आने के बाद ही तुम्हारी दृष्टि बाधित हुई है चिकित्सक ध्रुव। क्या किया उसने?
कहना तुम्हें हमारा धन्यवाद और इस पोटली को अपनी सर आंखों पर लगाना है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।